Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Namaskar, main Zia aur aap dekh rahe hain FirstBite.tv. Aaiye rukh karte hain ab tak ki kuch khaas khabron ki aur. इजराइल ने गाजा पर 12,000 टन से ज्यादा विस्फोटक गिराया। इजराइल के हमलों से गाजा में अब तक 5,800 मौतें, 2,360 सिर्फ बच्चे। तीसरे दिन गोल्ड से भारत की शुरुआत, जैवलिन से लेकर टेबल टेनिस तक में मिला मेडल। बांग्लादेश को हराकर साउथ अफ्रीका ने पॉइंट टेबल में किया बड़ा फेरबदल। आज से 40 फेरे ज्यादा लगाएगी दिल्ली मेट्रो। अब खबरें विस्तार से। इसराइल हमास जंग के बीच गाजा मीडिया ने बड़ा दावा किया है। इसमें कहा गया है कि 7 अक्टूबर से इसराइल ने गाजा पर 12,000 टन से ज्यादा विस्फोटक बरसाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विस्फोटकों की शक्ति 1945 में जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के बराबर है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि इसराइल के हमले में एक दिन में सबसे ज्यादा मौत 7,700 लोगों की मौत हुई है। अब तक 5,800 के करीब लोगों की जान जा चुकी है, इसमें से 2,360 सिर्फ बच्चे हैं। चीन के हांगझोऊ में चौथा एशियन पैरा गेम्स चल रहा है। 22 अक्टूबर से शुरू हुआ है ये आयोजन, 28 अक्टूबर तक चलेगा। शुरुआती दो दिन में भारत ने 34 मेडल अपने नाम किए हैं। एशियन पैरा गेम्स में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा है। वर्ल्ड कप 2023 के 23वें मैच में साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को हराकर बड़ा फेरबदल कर दिया है। साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को पछाड़कर नंबर 2 की कुर्सी हासिल कर ली है। वहीं भारत इस समय नंबर 1 पर बना हुआ है। साउथ अफ्रीकी टीम ने +2.370 के रन रेट के साथ नंबर 2 पर आ गई है। वहीं भारत का रन रेट साउथ अफ्रीका से कम है, लेकिन अपने सभी मैच जीतने में सफल रही है, जिसके कारण नंबर 1 पर है। भारत इस समय +1.353 के रन रेट के साथ नंबर 1 की कुर्सी पर विराजमान है। नंबर 3 पर न्यूजीलैंड और नंबर 4 पर ऑस्ट्रेलिया टीम मौजूद है। राजधानी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए DMRC ने मेट्रो की रूटीन में बड़ा बदलाव किया है, जिससे मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को सुविधा होगी और प्रदूषण पर भी नियंत्रण हो सकेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने मेट्रो के फेरे बढ़ा दिए हैं। अब दिल्ली मेट्रो बुधवार से प्रत्येक कार्य दिवस के दिन 40 अतिरिक्त फेरे लगाएगी, यानी अब आपको सेकंड के भीतर मेट्रो मिल जाएगी। दिल्ली मेट्रो के लिए उठाए गए इस कदम में एक तरफ मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ यात्रियों को भी सुविधा होगी। इस कदम के पीछे का मकसद ये है कि लोग निजी वाहन छोड़कर मेट्रो में सफर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.tv।